कार्रवाई की। मैंने अभी हवा के देखा, समझिए कि घर का कोई एक चम्मच से लेके कोई ऐसा बर्तन नहीं है जो ना टूट पाया, टीवी हो, फ्रिज हो, कोई चीज हो, सब तोड़ दी गई है। बहन बेटियों के साथ जाती की गई है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, बुजुर्ग लोगों को पीटा गया, बच्चों को पीटा गया। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा दर्दनाक कृत्य जो है ना, बहुत कम जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। आजमगढ़ जिले के अंदर रौनापार थाने के अंदर एक गाँव आता है, पलिया गाँव है ना ये, पलिया गाँव, जहां पर पुलिस की बर्बरियत खुलकर सामने दिखी कि किस तरीके से पुलिस ने एक सोच कुछ लोगों के बहकावे में आकर आप देख सकते हैं कि घरों को तोड़ दिया गया है। कैमरामैन साहब दिखाइए, ये पूरा घर दिखाइए और पीछे भी दिखाइए, पीछे का दिखाइए। और इसी को लेकर आज यहाँ आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वो अपने सारे काफिले के साथ, अपने जो उत्तर प्रदेश के जितने भी उनके पद अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सारे लोग आज उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आया है और उनके दुख दर्द में शरीक होने के लिए आया है। आप ये देख सकते हैं कि ये टूटे हुए घर, ये आपको साफ दिख रहा है, जिसके अंदर जब ये एक राजनीतिक मामला बना, ये जैसे भी अपना आजाद समाज पार्टी या कांग्रेस पार्टी या और अदरवाइज दूसरी पार्टियां और सोशल एक्टिविटीज लोग ने इस चीज को मीडिया के जरिए हाईलाइट किया, उसके बाद जाकर पुलिस प्रशासन ने उस एसएसओ को और सीओ को सस्पेंड किया है। अब देखना ये है कि ऐसे कितने और परिवार हैं जिनके ऊपर ऐसे जुल्म और अत्याचार हुए हैं, तो क्या उनको भी इंसाफ मिल पाएगा। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख परहारी, मुंबई से। पहले हमने आपको एक घर दिखाया, दो घर दिखाए थे कि जिसके अंदर तोड़ फोड़ की गई थी, उसके बाद हम एक घर और आपको दिखाते हैं जहां जुल्म की इंतहा से इंतहा कर दी गई। कि आप ये देख सकते हैं, ये घर तो घर तोड़ा ही गया है, लेकिन उसके साथ में ये ट्रैक्टर, इसका क्या दोष था, इसने कौन सा अपराध किया था जो ये ट्रैक्टर को तोड़ दिया गया। ये देखिए शटर है, आगे दिखाइए कैमरामैन साहब, आगे आइए, हम आगे भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ तक कि मोटरसाइकिल जो स्कूटी होती है, वो स्कूटी को दिखाइए, स्कूटी तक को तोड़ दिया गया। अगर ये सारी पॉलिटिक्स पार्टियां अगर इस चीज को इश्यू नहीं बनाती और ये इतना हाईलाइट नहीं होता, तो शायद मेरे ख्याल से इनको इंसाफ मिल पाना मुश्किल था। आज इनको इंसाफ तो मिल गया, मिल जाएगा, लेकिन एक सवालिया निशान ये भी खड़ा होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ में इससे बढ़-बढ़ के अत्याचार हुए, तो क्या उनको इंसाफ मिलेगा। ये जनता का काम है कि आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि जहां पर भी आप जुल्म होता हुआ देखें, उसको अपने मोबाइल के जरिए कैमरे में कैद करके उसको हाईलाइट करें, लोगों को दिखाएं, तब जालिम के ऊपर कुछ कार्रवाई होगी, नहीं तो जालिम और जुल्म करता जाएगा, गरीब और मरता जाएगा। देखा, क्या लगा आपको? देखिए ये क्रूरता, सरकार ने जो अधिकारी अपॉइंट किए उनके अंदर जो जातिवादी क्रूरता दलित वर्ग के लोगों को लेके, ये पहला मामला नहीं है। एक मामला हुआ था प्रधान सत्यमेव जयते का, उनकी हत्या हुई, और एक ये मामला है, एक मामला चांदपट्टी का, एक गोधरा का मामला है यहीं का, ये कई मामले, एक मुंडवर का मामला, सारे मामलों में प्रशासन जो कार्रवाई की है कोई इतनी बड़ी घटना नहीं थी, और निर्दोष लोगों पे घर में जाकर जो कार्रवाई की। मैंने जब ये घर आके देखा, समझिए कि घर का कोई एक चम्मच से लेके कोई ऐसा बर्तन नहीं है जो ना टूटा हुआ, टीवी हो, फ्रिज हो, कोई चीज़ हो, सब तोड़ दी गई हैं। बहन बेटियों के साथ जाती की गई है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं, बुजुर्ग लोगों को पीटा गया, बच्चों को पीटा गया। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा दर्दनाक कृत्य जो है ना, बहुत कम जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। और सरकार की तरफ से अभी तक उन अधिकारी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसका ट्रैक्टर तोड़ दिया गया, उसकी गाड़ी तोड़ दी गई, झूठे मुकदमे उन पर कर दिए गए। अरे मैंने कहा कि एक मुकदमा जो है ना 120B का मेरे खिलाफ भी कर दो, कहो कि चंद्रशेखर भी मुन्ना पासवान के साथ थे, लेकिन अगर झूठे मुकदमे वहाँ लोग जेल भेजोगे और ये जाति करोगे तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार के पास 7 दिन का समय है, सरकार उनके जो नुकसान हुआ उसका आकलन करके उनको मुआवजा दे और उन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनको जेल भेजे। और मुन्ना पासवान पे झूठा मुकदमा किया गया है, उसके उनके मुकदमे जो है वापस ले जाए। क्या दलित अच्छा मकान नहीं बना सकता है? और क्या कहते हैं अधिकारी की छोटी जात की महिला मजा देने के लिए होती है? तो ये छोटी जात वाले का जूता नहीं देखा गया उन अधिकारियों ने? आजमगढ़ में भोजन साइकिल यात्रा चलेगी,
और आप आके देखिएगा कि बहुजन साइकिल यात्रा में बड़ा जोश जुनून है। दलित पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, मुसलमान, बौद्ध, सिख, सब लोग जुड़ के जो है इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। कुछ दलों का गठबंधन भी आप लोगों का हो रहा है? अभी मुझे लगता है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, अभी समय है इलेक्शन में, तो अभी देखिए कौन लड़ता है, कौन रुकता है, कौन भाग जाता है, समय तय करेगा। हम लोग मैदान में, हम लोग लड़ेंगे। लोगों का एक आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आप लोग ये रखना रख रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर नहीं है कि उन्हें हमारे जैसे लोगों की जरूरत है। जो लोग कमजोर है उनको सोचना चाहिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है। आप लोग सरकार में सब विपक्ष में थे, आपने रोकी, जब आपसे तो रुकी नहीं। जो लोग रोकना चाहते क्योंकि आप में लड़ने की क्षमता ही नहीं है। तो मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, कोई अपने अपने तरह से अपनी रणनीति गए, इन लोगों पर आरोप लगाए, मैं स्वागत करता हूँ उनका भी जो आरोप लगा रहे हैं। वो हमें नोटिस तो कर रहे हैं ना, एक साल में आज़ाद समाज पार्टी इतनी पहचान तो बनाई कि वो नोटिस हो रहे हैं। अब आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आने के लिए जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको जोड़ने का और उनकी उनसे ताकत निर्माण करने का काम जो है वो करेगी। विधानसभा में उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी, उतरेगी और जीतेगी। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं, ये तय करेंगे, क्योंकि मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, जिस प्रदेश में जहाँ जरूरत होती, अभी इससे पहले मध्य प्रदेश में था, जहाँ जरूरत होती वहाँ रहता हूँ। लेकिन मैं इस अहंकारी निरंकुश सरकार को कहना चाहता हूँ कि सत्ता आती जाती रहती है, ये कल गरीबों की सत्ता भी आएगी। आज जो आप कर रहे हैं ये क्या, ये प्रशासन के अधिकार जो आप इशारे पे कर रहे हैं, ये दलित वर्ग भूलेगा नहीं, इसका जवाब सूर समेत वापस देगा। जो आपने हमारी माता बहनों के साथ किया, पहले ब्लॉक प्रमुख चुनाव में महिला का चीरहरण, और अब यहाँ इस घटना में, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, दलित जवाब देगा। आजमगढ़ में बहुजन साइकिल यात्रा चलेगी और आप आके देखिएगा कि बहुजन साइकिल यात्रा में बड़ा जोश जुनून है। दलित पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, मुसलमान, बौद्ध, सिख, सब लोग जुड़ के जो है इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। कुछ दलों का गठबंधन भी आप लोगों का हो रहा है? अभी मुझे लगता है कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, अभी समय है इलेक्शन में, तो अभी देखिए कौन लड़ता है, कौन रुकता है, कौन भाग जाता है, समय तय करेगा। हम लोग मैदान में, हम लोग लड़ेंगे। लोगों का एक आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आप लोग ये रखना रख रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर नहीं है कि उन्हें हमारे जैसे लोगों की जरूरत है। जो लोग कमजोर है उनको सोचना चाहिए, जो लोग आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी हुई है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है। आप लोग सरकार में सब विपक्ष में थे, आपने रोकी, जब आपसे तो रुकी नहीं। जो लोग रोकना चाहते क्योंकि आप में लड़ने की क्षमता ही नहीं है। तो मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, कोई अपने अपने तरह से अपनी रणनीति गए, इन लोगों पर आरोप लगाए, मैं स्वागत करता हूँ उनका भी जो आरोप लगा रहे हैं। वो हमें नोटिस तो कर रहे हैं ना, एक साल में आज़ाद समाज पार्टी इतनी पहचान तो बनाई कि वो नोटिस हो रहे हैं। अब आज़ाद समाज पार्टी सत्ता में आने के लिए जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको जोड़ने का और उनकी उनसे ताकत निर्माण करने का काम जो है वो करेगी। विधानसभा में उतरेगी? बिल्कुल उतरेगी, उतरेगी और जीतेगी। कितने सीटें होता है? ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं, ये तय करेंगे, क्योंकि मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, जिस प्रदेश में जहाँ जरूरत होती, अभी इससे पहले मध्य प्रदेश में था, जहाँ जरूरत होती वहाँ रहता हूँ। लेकिन मैं इस अहंकारी निरंकुश सरकार को कहना चाहता हूँ कि सत्ता आती जाती रहती है, ये कल गरीबों की सत्ता भी आएगी। आज जो आप कर रहे हैं ये क्या, ये प्रशासन के अधिकार जो आप इशारे पे कर रहे हैं, ये दलित वर्ग भूलेगा नहीं, इसका जवाब सूर समेत वापस देगा। जो आपने हमारी माता बहनों के साथ किया, पहले ब्लॉक प्रमुख चुनाव में महिला का चीरहरण, और अब यहाँ इस घटना में, ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, दलित जवाब देगा।